भीकनगांव नगर में कोरोना काल को देखते हुए हर कोई जरूरतमंदों के लिए हर प्रयास करना चाहता है। कोरोना जैसी महामारी से जैसे भी हो बस जान बच जाए, इसमें कोरोना फाइटर के रूप में उभरे दानदाताओं और नगर के समाज सेवकों द्वारा ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए दान देकर यह समस्या को हल करा दिया गया। अब एक ही सिलेंडर से 5 बेड पर एक साथ ऑक्सीजन उपलब्ध हो पाएगी। अब अलग अलग ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लगाना पड़ेगा। यह सिस्टम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के शासकीय अस्पताल में आज से प्रारंभ हो गया है। वहीं बी गजानन लहाने ने बताया कि ऐसी सेवा भावी से आज इस मुश्किल समय में योगदान सराहनीय है। भीकनगांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। बेड पे सेंटर लाइन ऑक्सीजन बिछाई गई है समाज सेवी द्वारा, वो भी एक सराहनीय कार्य है और हमारी तरफ से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उनका सभी का धन्यवाद देते हैं कि इस तरीके की जो एक्टिविटी हैं वो हमेशा चलती रहें। समाज सेवी द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो बेहतर है। इससे आए हुए मरीजों को क्या फ़ायदा होगा? एक्चुअली मैं अपन पहले क्या करते थे कि एक जो हमारा एक सिलेंडर था उसको एक पे ही लगा पाते थे। अब इससे ये होगा कि एक सिलेंडर हमारे जो सेंट्रल वो जो जम्बो सिलेंडर रहता है उसे हम एक साथ में हम पांच पेशेंट को कवर कर सकते हैं और उसमें ऑक्सीजन का भी वेस्टेज कम रहेगा। आगे भी और बेड बढ़ाने के? हाँ, वो आगे भी शासन स्तर से चल रहा है कि 10 बेड का अपना आईसीयू वगैरह डेवलप करना है और उसके लिए भी हमने डिमांड है शासन स्तर को अवगत कराया। आईसीयू की प्रोसेस भी चल रही है? आईसीयू के लिए भी शासन से डिमांड मांगी गई थी हमसे, तो हमने डिमांड उसके लिए भी बना के भेज दी है। वो भी विधायक महोदय ने बोला था कि 5 बेड ऑक्सीजन बेड मतलब 5 आईसीयू बेड अस्पताल में। हाँ, तो उसके लिए वही है जो मैं बता रहा हूँ, 5 बेड और जो 10 बेड का जो आईसीयू बता रहा हूँ वही सब एक ही चीज़ है। जैसे ही अपन को मिलता है जो अपने डिमांड बना के भेजिए, उपकरण वगैरह जो भी है अगर शासन स्तर से अपन को प्राप्त होते हैं तो अपन को वेल्डिंग की समस्या आ रही है, तो वेल्डिंग अपने कुछ प्रस्तावित की हैं अपने भीकनगांव में, कुछ जगह अपने चिन्हित की हैं, उसमें से जो भी बेहतर है उसमें बनाने की प्रक्रिया जारी है। खरगोन की तर्ज पर यहाँ भी ऑक्सीजन प्लांट स्थापित होने वाला था? हाँ, अभी ये भी प्रस्तावित हुआ है, जानकारी में आया है, बट अभी उसका लेआउट नहीं डला है। उसको हमने यही आगे भी हमने यही प्रोसीड किया है कि हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो परिसर है वो यहीं पे लगे, तो जगह उसके लिए भी चिन्हित करना है। वो भी अभी जगह ही नहीं चिन्हित हुई? हाँ, जगह अभी चिन्हित नहीं की है। हम लोगों ने बताया उनको कि हमारे हॉस्पिटल में लगता है, हॉस्पिटल प्रांगण में लगता है, तो भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।